नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र विषय चैनल पर। गुरुवार की रात चुपचाप यहाँ रख दें चार लौंग, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से चार लौंग का वह चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकता है। इस संसार का हर मानव वही चाहता है कि उसे माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करे। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है कि जिस किसी मानव के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होती है। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी जिसके बाद आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन कमाना चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में केवल 22% लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों में 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो गुरुवार की रात लौंग का यह चमत्कारिक उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कमी तो होगी होगी, साथ ही जीवन में जो राहु दोषी की समस्या है, राहु दोष से चली आ रही है या फिर ग्रह पीड़ा की समस्या है, वो सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में निश्चित ही सफलताओं की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नत करेंगे। इसलिए अगर आप भी इस चमत्कारिक उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी। आइए अब जान लेते हैं कि आपको गुरुवार की रात कौन कौन से, यानी कि गुरुवार के दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय है कि कर्ज मुक्ति का और धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं या फिर आप कर्ज की समस्याओं से परेशान हैं तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको करना क्या है ध्यान से सुनिए। आपको 4 साबुत लौंग लेना है और 1 दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती शुद्ध देसी घी डाल के इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले तो आपको 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको एक, यानी कि 4 लौंग है तो आपको उसमें 2 लौंग डालना है और 2 लौंग आपको जो बची है वो माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी का मंत्र जो है कम से कम 108 बार जाप करिए और अपनी सारी मनोकामना बोलिए। इतना करने के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े के पेपर पर और उसे मौली धागा में बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इसको कर लेते हैं ऐसा तो माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित समस्याओं का खात्मा हो जाएगा और आपको कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके ग्रह नक्षत्र राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नत करेंगे। तो आपको करना क्या है ध्यान से सुन लीजिए। आपको गुरुवार के
रात्रि यानी संध्या के समय 6:30 से लेकर यानी 6:30 के बाद आप कर सकते हैं किसी भी समय। नहा धोकर आपको यानी कि नज़दीक के पीपल के वृक्ष के पास जाना है, परंतु पीपल के वृक्ष के पास जाने से पहले आपको एक घी का दीपक लेना है और आपको 4-5 लौंग लेना है। 5 लौंग ले लें और सबसे पहले पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना है। उस दीपक में आपको यानी कि 1 लौंग डाल देना है। 1 लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगे उन चारों लौंग को पूर्व की दिशा की ओर 1 लौंग फेंक दें, दूसरी लौंग आप उत्तर दिशा की ओर फेंक दें, तीसरी पश्चिम और चौथी दक्षिण, यानी 4 लौंग 4 दिशाओं में फेंक दें। और पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करनी है, परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। अगर आप बड़े गुरुवार के दिन केवल इतना कर लेते हैं तो भगवान श्री विष्णु जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे, जो निर्णय उन निर्णय से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगला उपाय, तीसरा, एक ऐसा उपाय जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको गुरुवार की रात्रि को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 4 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपये का सिक्का रखना है। उसे मौली धागा से बांध देना है, फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन 9 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान पे आलमारी पे तिजोरी पे रख देना है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन के आगमन चारों दिशाओं से होने लगेंगे और जो धन आएगा वह धन टीकेगा भी रुकेगा भी। इसलिए गुरुवार की रात्रि को ये उपाय जरूर कर लीजिए, इससे आपके फूटी से फूटी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों एक और छोटा सा उपाय कर लीजिए, अगर मान लीजिए शत्रु विरोधी परेशान करते हैं, मान लीजिए दुश्मन परेशान करते हैं, तो बड़े से बड़े दुश्मनों को भी घुटने टिकवाने के लिए आप क्या करें कि गुरुवार की रात्रि आप 5 लौंग लेकर जाएं, संध्या के समय यानी शाम के समय जाएं किसी चौरास्ते पर, चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में 1-1 लौंग आप चारों दिशाओं में फेंक दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। 5वीं लौंग को आसमान की तरफ फेंक दें और वापस अपने घर चले आइए, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखिए, जीवन में धन का लाभ होगा। गुरुवार के दिन आप चाहें तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को आप यानी कि 2 लौंग अर्पित कर दें उन्हें लौंग, और अगले दिन इसका सेवन कर लें पति पत्नी, तो प्रेम भी बढ़ता है पति पत्नी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक ले धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।